ठीक है सभी लोग, 1 घंटे के अंदर हमको अड्डे पर मिलो आके। बगल गांव के लड़कों ने एक गरीब किसान को मारा है और उसका बदला लेने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा। क्या उसका बदला लेने के लिए तुम लोग तैयार हो? आज से हम छेड़ते हैं इंसाफ की जंग। अंधेरे की रात भर है, होने ही वाले पल में सहर है। चार कदम बस और सफर है, आशा का संदेश तेरे नाम लेकर आएगा सूर्या। आसमां का धरती को सलाम लेकर आए सूर्या। सूर्या एक लड़का है जो स्कूली लड़कियों को बस में छेड़ता है। कौन है वो? मलिक नाम है उसका, स्टूडियो चलाता है। चलो फोटो ही खिंचवा लेंगे, थाने में लगाने के काम आएगी। तुम 3 लोग शिनाख्त करोगे उसकी। जैसे ही वह स्टूडियो के अंदर आता है हमको कॉल करना, हम पहुंच जाएंगे। तुम 3 लोग निकलो, जैसे ही वह स्टूडियो के अंदर आता है हमको कॉल करना, ठीक है? We'll be right back.
हेलो सूर्या भाई, मलिक आ गया स्टूडियो में। हाँ आ जाओ। छोरी जैसी शक्ल होगी तुम्हारी, सालों मैं ना हूँ तुम मार कर ही नहीं सकते। अबे तुम लोग भी यार टोनी की खिंचाई करते रहते हो। अच्छा यार टोनी, वो चुटकुल्ला सुना दे, मजा आ जाए थोड़ा सा। तो सुनो, एक बार मैं एक लड़की को मूवी दिखाने लेके गया सरसों के खेत में। उतने में उसका बाप आ गया और उसके बाप ने लाठी घुमा के ऐसा मारा, हमने ऐसा किया और टूट गई। क्या लठ टूट गई? नहीं रे, हाथ टूट गया। हाँ बोलो, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो तुम? सूर्या भाई, मेरी बहन के ससुराल वालों ने मेरी बहन को दहेज के कारण ससुराल से निकाल दिया और बोला है 50,000 रुपए लेके आना तो इस दहलीज को पार करना। भाई तुम परेशान मत हो, नाम और पता अरमान को दे दो, काम हो जाएगा। अरमान पता नोट कर लो, क्या नाम है? सरपंच गिरधारी लाल। गांव कौन सा है? हरिपुर। हो गया अरमान, तुम निकलो, काम हो जाएगा। हाँ बोलिए। मैं हरगांव से सूर्या, नाम तो सुना ही होगा। वही सूर्या जो गरीबों का मसीहा है, आइए बैठिए। तुमने अपनी बहू को छोड़ दिया है क्या? और अगर छोड़ा है तो किस कारण से छोड़ा है सरपंच? उसके भाई ने वादा किया था शादी में 50,000 रुपए देने का। शादी को 1 साल हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं। बस इतनी सी बात? ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपए दहेज का जो उसने वादा किया था, और बहू को मारने का हिसाब ये रहा। सरपंच, कल जा करके अपनी बहू को इज्जत के साथ अपने घर पे ले आना, और अगर दोबारा उसे कोई तकलीफ हुई तो इस बार तमाचा नहीं सीधा गोली होगी, गोली। चलो साथियों। जाकर के सूर्या को अभी इसी वक्त यहाँ पर ले आओ।
जी सरपंच जी, अभी बुला कर लाता हूँ। नहीं सुनना चाहता, तुमने अपना जुल्म कबूल किया है और मौजूदा सरपंच होने के नाते तुम्हारी ये सजा है सूर्या, ये गांव छोड़कर तुम्हें 5 साल के लिए जाना पड़ेगा। ये हमें मंजूर नहीं, ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है सूर्या, तो तुम हो गरीब को मसीहा, ये फैसला खुद ही कर। तो सूर्या का फैसला ये है कि आने वाले चुनाव में सूर्या खुद सरपंच होगा। सूर्या, चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है सूर्या। ठीक है, अगर तू चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ ले, अगर तू चुनाव जीत गया तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन मैं चुनाव जीत गया तो तेरे और तेरे साथियों को ये गांव छोड़कर जाना होगा। हमें भी मंजूर है। मिलते हैं चुनाव की इस बात। राम राम। राम राम जी। दिया जाना समझ में होता भैया, बताओ तुम जय का दिन जाए, कहा वही दिया जाए भैया, बताओ बताओ सब भाई, जो बढ़िया न्याय करे वही कर दियो। हाँ जो न्याय करे लायक को भैया, सोच समझ के दिया जाए भाई। भैया राम राम। राम राम भैया। राम राम। खुशी दो खुशी दो खुशी दो भैया का। आप लोगों को पता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, उगता हुआ सूरज अपना चुनाव चिन्ह है, आप लोग वोट दीजिएगा। हाँ भैया, ये देखिए तीसरे नंबर पर है उगता हुआ सूरज। हाँ ये चुनाव चिन्ह तो अच्छा है। ठीक है, अच्छा हम लोग चलते हैं, आगे भी मिलना है। राम राम भैया। राम राम भैया। चुनाव में तो बड़ी दिक्कत, दो तरफ तो लड़ी रहे हैं, वोट किसको दोगे भैया? राम राम भैया। राम भैया। राम राम। बैठो सरपंच। बैठे सरपंच, बैठो सभी, बैठो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो भैया, आप सबके बीच में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब लोग हमारी मदद करिए, आपका इंसाफ होगा सबके बीच में। और ये रहा हमारा पहले नंबर पे। पहले नंबर पे है इमली, चुनाव निशान है इमली पहले नंबर पे है। देख लो भैया, देख लो पहले नंबर पे इमली चुनाव निशान पे। सरपंच जी, आप है कि दीन जे वोटवा दिया जाए, आपका दिया जाएगा, हम लोग आपके साथ हैं भैया। भूले ना चुनाव निशान मिली, हम तो वाली बनाई सरपंच, हम लोग कहाँ जाएंगे आपको? आप हमारे अन्नदाता हैं। हम लोग याद रखना भैया, इमली चुनाव निशान है। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम भैया। राम राम भैया। सरकार की वोटिंग चल रही है, सूर्या 200 वोटों से आगे और सरपंच का वोट है 550, सूर्या का वोट है 750।
वोटिंग चल ही रही है, आगे की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। और ये क्या, सूर्या 750 वोटों से विजयी घोषित होते हुए और भानु प्रताप हार चुके हैं चुनाव। भानु प्रताप का टोटल वोट है 1500 और सूर्या का वोट है 2500। 750 वोटों से विजयी घोषित होते हुए सूर्या। आज 50 साल बाद सरपंच के कुर्सी से हटा हूँ और हम इस कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं दूंगा। आज सूर्या को जान से मारूंगा। सूर्या भाई जिंदाबाद, सूर्या भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद भरमान। हाँ भाई। आज से इस गांव के सरपंच तुम हो, तुम हो अरमान। नहीं सूर्या भाई, हमें छोड़कर मत जाओ। सूर्या भाई, हमें छोड़कर मत जाओ। सूर्या भाई नहीं, नहीं। और इंसाफ के लिए ये जंग हमेशा चलती रहनी चाहिए अरमान। आएगी इंसाफ की हुक्मरानी, अपना बहेगा खून होकर पानी। उठ रोशनी का लहरा दे परचम, कर दे नई ये दुनिया पुरानी। तेरे कुर्बानी का इनाम लेकर आएगा सूर्या, आसमां का धरती को सलाम ले।